कैसे हो सभी, आप सभी का स्वागत है एकदम फ्रेश और नए एक ट्रैवल अपडेट की वीडियो में। मैं सोच रहा था कि ये वाली वीडियो ना बनाऊं, कि अब मैं ट्रैवल अपडेट बंद करूं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो अलग है और ये चीज़ अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो होगी ट्रैवल अपडेट की वीडियो के बारे में। उसके बाद अगले महीने मैं शायद से मैं ट्रैवल करूँ। तो अभी के लिए जो इंडोनेशियन की इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के बारे में बात करते हैं, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में आप बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है और उसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल क्या है। ये VFS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2-3 साइट हैं और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ही करा था। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं पहली दिक्कतें बताता हूँ। कुछ लोगों को सबसे पहले पेमेंट करने के बाद ईमेल नहीं आ रही, और जिनको आ रही है वो स्पैम फोल्डर में आ रही है, और स्पैम फोल्डर में आने के बाद भी उन्होंने जब वो लेके गए अपना इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल, तो वहाँ पे उनको डिनाई कर दिया कि उनको इमिग्रेशन जो ऑफिसर थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसी तो कोई फैसिलिटी है नहीं हमारी, आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी इंडोनेशिया इन फ्यूचर ट्रैवल करे तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल के चक्कर में मत पड़ना। $20-30 यहाँ देने पड़ेंगे, और 20-30 आपको $35-40 आपको वीज़ा ऑन अराइवल इंडोनेशिया में देने पड़ेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। मैं कहूँगा ये तो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आजकल इंडोनेशिया में खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर कुछ करप्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो भी आप थोड़ी बहुत फीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे कि $40 या $35 के आसपास आपकी वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है इंडोनेशिया की, पहले जो नहीं होती थी वो अब है, लेकिन अब वो लेने लगे तो उसमें भी वो थोड़ी एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपनी पॉकेट में डालने के लिए, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैंने आर्टिकल पढ़े कि ऐसे ऐसे, तो मेरा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल से आप दूर रहेगा ताकि आपके पैसे बचे। वरना अगर आप ये भी कभी कभार कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल भर के गए लेकिन उनसे वहाँ पे भी मांग लिया तो उनकी डबल फीस लग गई, ऑनर 20-30 यहाँ पे, 35-40 वहाँ पे, तो उनमें 10,000 के आसपास आपका लग सकता है। तो कृपया करके वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा के आप साइड रहना और वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ ही जाना। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। और बाकी अगर आप मेरी वियतनाम की सीरीज़ देखना चाहते हो तो इस या फिर ऊपर आई बटन में कहीं लिंक आ रहा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ट्रैवल अपडेट की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर देना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट वीडियो हो सकती है ट्रैवल अपडेट के बारे में, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सून आई होप मैं ट्रैवल ज़रूर करूँगा। तो आपके नए ब्लॉग देखने के लिए, नई कंट्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।